तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है हमारे चैनल पर चलाई जा रही Q&A सीरीज की पांचवी वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ आप लोगों के द्वारा ही पूछे गए उन सवालों के जवाब, जो कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में #मास्टरजी लगाकर मुझसे पूछे थे। तो मैं इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी जरूर दबा दें। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल हमसे किया है प्रसिंग बाल जी ने, और ये जानना चाहते हैं 20 पैसे के 1983 के फिशरीज क्वाइन की वैल्यू। तो ये जो क्वाइन है वो है 20 पैसे के एल्युमिनियम में बनाया गया कमेमोरेटिव क्वाइन, जिसको कि 1983 में जारी किया गया था फिशरीज की थीम पर। तो इन सिक्कों को बनाया गया था कैलकटा और हैदराबाद मिंट से, जिनमें की कैलकटा मिंट के सिक्कों की UNC कंडीशन में कीमत लगभग 50 रुपए तक है, वहीं हैदराबाद मिंट के सिक्के इससे थोड़े से स्केयर होते हैं और इनकी UNC कंडीशन में कीमत लगभग 75 रुपए तक जाती है। तो अगला सवाल है यहाँ पर बाबा का, और ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी नोट के पैकेट और एक या दो नोटों की प्राइस अलग अलग होती है। तो जी हाँ तनवीर जी, एक 100 नोटों के पूरे सीरियल पैकेट और ऐसे लूज नोटों की कीमत में काफी फर्क हो सकता है, क्योंकि कॉमन नोटों को कलेक्टर हमेशा पैकेट्स में ही कलेक्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में लूज नोट भी महंगे बिक सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी कलेक्टर को ऐसे 2 या 3 नोटों की ही जरूरत हो, तब वो कलेक्टर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको शायद थोड़ा ज्यादा पैसे भी दे सकता है, लेकिन उस कंडीशन में आपको अपने सारे नोटों को बेचने में भी काफी टाइम लग जाएगा। तो अगला सवाल यहाँ पर किया है भक्ति सागर जी ने, और ये जानना चाहते हैं 1 रुपी 1835 William IV और 1940 विक्टोरिया क्वीन क्वाइन की वैल्यू। तो 1835 के 1 रुपी क्वाइन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, और रही बात 1940 के विक्टोरिया क्वीन क्वाइन की, तो 1940 में क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल नहीं था, बल्कि उस समय George VI का शासनकाल चल रहा था। तो 1940 के किंग George VI के सिक्कों की जानकारी भी मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में दी थी, और इन वीडियोस को आप लोग ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और अगर आपके पास सच में 1940 का विक्टोरिया क्वीन का क्वाइन है तो वो 100% एक फेक क्वाइन होगा। अगला सवाल यहाँ पर आया है बेस्ट टॉप 10 वीडियोस की तरफ से, और ये जानना चाहते हैं कि क्या 2003 का हैदराबाद मिंट का 2 रुपए का नेशनल इंटीग्रेशन का सिक्का रेयर होता है, और आज के समय में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो नेशनल इंटीग्रेशन वाले ऐसे 2 रुपए के सिक्के जारी हुए थे भारत की 4 मिंटों से, यानी कि बॉम्बे, कैलकटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, और इन चारों ही मिंटों के 2003 के सिक्के कॉमन ही होते हैं, और इनकी मार्केट वैल्यू इनकी कंडीशन के हिसाब से 5 रुपए से 15 रुपए के बीच में चल रही है। लेकिन वहीं अगर आपके पास ऐसा कोई एरर सिक्का है तब वो रेयर हो सकता है। अगला सवाल है किरण गाहवाने 96 का, और ये जानना चाहते हैं 1844 के हाफ आना की कीमत। तो अगर आप 1844 के इस तरह के किसी सिक्के की बात कर रहे हैं तो इस तरह के सभी सिक्के फेक हैं, और 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी सिक्का जारी नहीं हुआ था, लेकिन 1845 में हाफ आना के सिक्के जरूर बने थे, और उनकी जानकारी मैंने ऑलरेडी इस वाली वीडियो में दी हुई है। तो अगला सवाल है अखिलेश कुमार का, और ये जानना चाहते हैं कि क्या 0HM और 0OM यानी कि ओम प्रीफिक्स वाले नोट फैंसी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ लोग 786 वाले नोट कलेक्ट करते हैं, और ये उनकी आस्था या उनके शौक पे डिपेंड करता है। मगर वहीं बात करें इनकी वैल्यू की, तो 786 वाले नोट भी इतने ज्यादा रेयर नहीं होते हैं जब तक कि वो कोई पुराना या रेयर इश्यू का नोट ना हो। तो इसी तरह की कुछ कंडीशंस में आपके बताए हुए नंबर्स भी रेयर हो सकते हैं। तो सूर्य वर्मा का सवाल है कि 2015 के 500 और 1000 रुपए के नोटों की क्या कीमत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि नोटबंदी के बाद इस तरह के नोटों की कोई फेस वैल्यू नहीं है, और इस तरह के 10 से ज्यादा नोट रखना भी इल्लीगल है। लेकिन वही अगर कोई कलेक्शन के तौर पर इस तरह के नोटों को लेना चाहता है तो आपको इस तरह के 500 रुपए के नोटों की UNC कंडीशन में कीमत लगभग 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में मिल सकती है। वहीं ऐसे 1000 रुपए के नोट की UNC कंडीशन में कीमत लगभग 200 रुपए से 300 रुपए के बीच में है। तो जसकरण दीप सिंह जी जानना चाहते हैं 1991 के मॉन्टेक सिंह आलूवालिया के 1 रुपए के नोट जिसके लास्ट में 786 हो, उसकी कीमत क्या होगी। तो अगर आपके पास ये नोट UNC कंडीशन में है तो इसकी कीमत लगभग 100 से 200 रुपए तक हो सकती है, और 1991 के ऐसे 786 वाले एक पूरे पैकेट की कीमत लगभग 1500 रुपए तक जाती है। अगला सवाल है प्रणब कांति विश्वास का, और ये जानना चाहते हैं 1/12 आना
1835 ईस्ट इंडिया कंपनी के क्वाइन की कीमत। तो ये सिक्का जिसको उस समय एक पाई के नाम से जाना जाता था, तो 1835 में ऐसे सिक्के कैलकटा और मद्रास मिंट से जारी हुए थे जिनकी कीमत आप लोगों को हाई ग्रेड में मिल सकती है 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में। वहीं फाइन कंडीशन में इस तरह के सिक्कों की कीमत लगभग 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में ही होती है। तो अगला सवाल है राजेश गुप्ता का, और ये जानना चाहते हैं गोपी पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी के 1 रुपए के नोट की कीमत। तो आप शायद बात कर रहे हैं गोपी के अरोरा की। तो इनके सिग्नेचर वाले 1 रुपए के नोट जारी हुए थे 1989 में, और इस तरह के नोट कॉमन होते हैं और इनकी कीमत होती है लगभग 5 रुपए से 15 रुपए के बीच में। तो श्वेत कुशल जानना चाहते हैं 100 रुपए के आरएन मेहनोत्रा के एग्रीकल्चर वाले नोट की कीमत। तो आरएन मेहनोत्रा के सिग्नेचर वाले ऐसे दो तरह के अलग अलग नोट जारी हुए थे। पहला नोट था कोबाल्ट ब्लू कलर का और दूसरा नोट था पिंक ब्लू। लेकिन इस तरह के नोटों की कीमत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और इसकी कीमत आप लोगों को इसकी कंडीशन के हिसाब से 120 रुपए से 200 रुपए के बीच में मिल सकती है। तो सूर्या वर्मा जी पूछते हैं कि नए 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के कब सर्कुलेशन में आएंगे। तो वैसे तो अभी तक ये सिक्के बाजार में आना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि ये सिक्के साल के अंत तक बाजार में आ सकते हैं। तो मोहम्मद सद्दाम अली जी का सवाल है कि 10 रुपए के डॉक्टर एस रामाकृष्णा की 150वीं जयंती के सिक्के की मार्केट वैल्यू क्या है। तो पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि वो सिक्का है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की 125वीं जयंती का सिक्का। तो ये सिक्के जारी हुए हैं कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई मिंट से, और ये सिक्के थोड़े से स्क्वायर हैं, और यूएनसी कंडीशन में इसकी मार्केट वैल्यू है लगभग 25 रुपए के आसपास। तो प्योर पॉइंट जानना चाहते हैं 1947 के क्वार्टर रुपी की वैल्यू। तो 1947 में ऐसे क्वार्टर रुपी के कॉइन सिर्फ बॉम्बे मिंट से ही जारी हुए थे, और इनकी कीमत इनकी कंडीशन के हिसाब से 10 रुपए से 50 रुपए तक जाती है। तो नैना जैन जी का सवाल है कि 1968 के 10 पैसे के कॉइन की कीमत क्या है, क्योंकि अमेजोन पर उनको ये सिक्का 1000 का मिल रहा है। तो इस तरह के 10 पैसे के सिक्के की कीमत है लगभग 5 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच में, जो कि इनकी कंडीशन पे डिपेंड करती है। और अच्छा यही रहेगा कि आप इस तरह के सिक्के को अमेजोन से ना ही खरीदें, क्योंकि ये सिक्का आपको किसी एग्जीबिशन या फिर किसी कलेक्टर या डीलर से काफी कम कीमत पे भी मिल सकता है। और अगर आप ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हैं तो इस तरह के सिक्कों को आप लोग फेसबुक के ग्रुप से भी खरीद सकते हैं, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया हुआ है। तो मुकेश जोशी जी का सवाल है कि 100 ईयर्स ऑफ सिविल एविएशन इंडिया 2011 के 5 रुपए के सिक्के की क्या कीमत है। तो 5 रुपए का ये सिक्का जारी किया गया था भारत की चारों मिंटों से, और वो सभी सिक्के कॉमन सिक्के हैं, और उनकी कीमत है लगभग 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर मनीषा जी ने लिखा है कि ये क्वेश्चन मैं थर्ड बार पूछ रही हूँ कि 1/2 पाइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1864 के सिक्के की क्या कीमत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1864 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी सिक्के जारी हुए थे 1858 में। वहीं 1962 के बाद ब्रिटिश इंडियन कॉइन्स आना शुरू हो गए थे। तो अगर आपके पास 1864 का कोई सिक्का है तो वो एक फेक कॉइन है, क्योंकि 1864 में भारत में कोई भी सिक्का नहीं जारी हुआ था। तो यहाँ पर जयंती बिस्वाल जी लिखती है कि अगर मुझे नए कॉइन्स खरीदने हो तो मुझे उनको SPMCIL की वेबसाइट से खरीदना पड़ता है, लेकिन ये जानना चाहती है कि नए नोटों के पैकेट्स कहाँ से मिलेंगे और स्पेशली इनको स्टार नोट्स लेने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि SPMCIL की वेबसाइट से आप लोग सिर्फ नॉन सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन्स ही खरीद सकते हैं, और ये वो सिक्के होते हैं जिनको की प्रूफ और यूएनसी सेट्स में जारी किया जाता है। लेकिन वही कॉमन सर्कुलेशन के सिक्के नोट आप लोगों को बैंक से ही मिल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी पुराने नोटों के पैकेट या स्टार नोट्स के पैकेट खरीदना चाहती हैं तो उनको आप किसी कलेक्टर या डीलर से भी खरीद सकती हैं, क्योंकि डीलर्स और कलेक्टर्स इस तरह के नोटों को डायरेक्टली बैंकों से ले आते हैं और बाद में उनको ऊंची कीमतों पर बेच देते हैं। तो ऐसे कलेक्टर्स और डीलर आप लोगों को एग्जीबिशंस में मिल सकते हैं, या फिर आप इस तरह के नोटों के पैकेट्स को फेसबुक पर चलाए जा रहे ग्रुप से भी खरीद सकती हैं। बस ध्यान रखिएगा कि वो ग्रुप और डीलर ट्रस्टेड हो। तो सुदीप सरकार जानना चाहते हैं कि मेरे पास विक्टोरिया का 1/4 आना 1893 का सिक्का है, इसकी कीमत क्या होगी। तो 1893 का ऐसा 1/4 आना आपको दिला सकता है 50 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में, और ये कीमत उस सिक्के की कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आप लोगों के द्वारा पूछे गए ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की, लेकिन फिर भी मैं उन सवालों में से काफी कम सवालों के जवाब ही दे पाया हूँ। तो जिन लोगों के भी सवाल इस वीडियो में शामिल नहीं हो पाए हैं वो लोग अपने सवालों को दोबारा से पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों को मैं अगली वीडियोस में शामिल कर पाऊं। और आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग अपने कमेंट में #masterji की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखें, और साथ ही इसमें आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है ताकि मुझे आप लोगों के सवाल आसानी से मिल सकें। तो आई होप कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग इसे लाइक जरूर कर दें,
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप आगे भी सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आप देख सके हमारी वीडियोस को सबसे पहले। तो हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।